इसी तरह माता पिता का सेवा करें और उनका गुणगान करें, और जो भी सात लोग हैं सब लोग मिलकर माता पिता का ही सेवा का भावना रखें। जय हिंद। उसका संकल्प भी और भी अधिक बड़ा हो, उसके पीछे जो प्रेरणा शक्ति हो, जो सिद्धि की बातें होती हैं, वो और भी महान हो या बड़ा हो, उन स्थितियों में यह बौधा होता है। कार्यक्रम में शिरकत करता रहता हूं कि मंच पर जो सबसे लघु होता है, छोटा होता है, पहले उसको शंका दिया जाता है। शायद भाई निमेश जी ने इसी मानसिकता से सोचा कि पहले अरुणोदय को सब समेट दिया जाए, बाद में जो महति वक्ता है, प्रबुद्ध वक्ता है, उनका आशीर्वाद आशीर्वचन आप सबों को मिलेगा। मैं तो आप सबों का भातृवत हूं, औपचारिकता महामहिम राज्यपाल सिक्किम श्री गंगा प्रसाद जी, सम्मानित मंच, हमारे सफल अभ्यर्थी, और सबसे अधिक जो हमारे वंदनीय है, पूज्य है, उनके साथ आए हुए उनके माता पिता। थोड़ी सी बातों को मैं अलग लेके चलना चाहूंगा, मैं समय की अनुमति हो। एक सौभाग्य यह समाज में जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की उनकी माताएं यहां उपस्थित हैं। मैं वक्ता आपके सामने सम्मुख हूं संबोधन मंच से। आज मेरे ही मां की पुण्यतिथि है, दोहरा संयोग, और जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण संयोग, हमने पहले संबोधन में कहा था महामहिम राज्यपाल जी, मैं मानता हूं हमारे अभिभावक ये आरंभ से रहे हैं, और जिस नाम में गंगा शब्द का उच्चारण होता हो, तो गंगा शब्द माँ का द्योतक होता है। जिस कार्यक्रम में तीन तीन माँ का आशीर्वाद जुड़ा हुआ हो, उस कार्यक्रम की सफलता में संदेह कैसे बना हो सकता है। इनका पितृरूप अपने वात्सल्य रूप के साथ में माँ की सारी भावनाओं को समेटे हुए जो बरसता है, हम सब भागी रहे इनके आशीर्वचनों का। अरे मैं फ्लेक्स देख रहा था, सम्मान समारोह बिहार लोक सेवा आयोग के सफल अभ्यर्थियों एवं उनके माता पिता का, मेरा विरोध यहीं पर थोड़ा सा हो गया। निवेश मुझे नहीं समझ में आ रहा, जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की उनका सम्मान क्या होना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूं, सम्मान और वंदन तो उनका हो जो आपके आजू बाजू बैठे हुए हैं, आपके माता पिता बैठे हुए हैं। माता पिता के सामने पुत्र का सम्मान भला कैसे हो सकता है। और कोई एक व्यक्ति एक संस्था, मैं मन से कहना चाहता हूं, जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज तक किसी भी संस्था किसी व्यक्ति विशेष की इतनी हैसियत नहीं हुई कि माता पिता के कर्जों का ऋण कोई उतार सके। हम प्रणाम कर सकते हैं अपने माता पिता को, और जो प्रणाम करेगा किस मंच से, भला मेरा सम्मान वहां कैसे हो सकता है। हम तो आशीर्वाद की आकांक्षी है, कृपाकांक्षी है आप सब माता पिताओं के, हमारा सम्मान कैसा। जब से आपका परिणाम आया होगा आप बड़े मस्त होंगे, घूमने गए होंगे, उत्सव हुआ होगा, महोत्सव हुआ होगा आपके परिवार में, कुल खानदान में, या आपके परिवार का एक चिराग इतनी बड़ी सेवा में योगदान करने जा रहा है। मेरा मानना है कि वो समय खत्म, पार्टी खत्म, महोत्सव खत्म, उत्सव खत्म। सच कहा जाए यह आपका दूसरा जन्म, दूसरे जन्म की शुरुआत होने वाली, और यह सम्मान का समय नहीं, यह तो कर्तव्य बोध का समय है कि आपको इसे गुनना है, मलना है, जीना है। ठीक है, आपने परिश्रम किया, आपके माता पिता ने कई रातें जागी हैं,
अपने कमरे की जो चिराग है उसका तेल बचाकर आपके चिराग के में तेल डाला होगा कि आपकी पढ़ाई की जो जिजीविषा है, जो लौ है, रात भर जले कम से कम। वो अभाव में रहे होंगे, हो सकता है दशहरा आने वाली है, दशहरा में नया कपड़ा खुद ना खरीद के अपने बेटे और बेटियों के लिए नया वस्त्र खरीदा होगा। अब समय उसका आता है, आपको सारी चीजों का मूल चूक ऋण समेत वापस करना है। इस रूप में नहीं, जहां भी आपकी पोस्टिंग हो, मोबाइल हाथ में आ गया है, प्रणाम माँ कैसे हो, अपना ख्याल रखना, प्रणाम बाबूजी कैसे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, तबीयत तो ठीक है ना। आवश्यकता इस बात की कि जिस माँ पिता ने आपको यहां तक खड़ा किया, महामहिम राज्यपाल के सामने आपको उपस्थित किया आपके सम्मान के लिए, आपका उत्तरदायित्व तो इस बात पर निर्भर करता है कि जहां भी आपकी पोस्टिंग हो, जिस क्षेत्र में हो, कम से कम अपने की तरफ युवा दिखता हो, कोई बच्चा दिखता हो, कुछ झाड़ू दिखता हो, जो संघर्षशील हो, प्रेरित होना चाहता हो, उसको एक नया मुकाम देने में अगर आप सहभागी हो सके, इससे बड़ा ऋण आप नहीं चुका पाएंगे, विश्वास रखिएगा। हम हमेशा बातें करते होते हैं कि हमने ये सफलता प्राप्त कर ली, हमने वो सफलता प्राप्त कर ली। कभी सोचा है इस सफल सफलता के पीछे कितने लोगों का बलिदान होता है, योगदान होता है? अब आप हुजूर हो गए, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, जिस भी जिले में जाएंगे, जिस भी शहर में जाएंगे, गांव के लोग आपको हुजूर कहेंगे। हुजूर शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा सम्मान होता है इस शब्द से। कोई व्यक्ति आपके पास में आएगा, कोई जन सामान्य आएगा, कोई मानव आएगा, इस विश्वास के साथ में आएगा कि आपके पास में आने से उसकी सारी विधा खत्म हो जाएगी, सारा संकट खत्म हो जाएगा, सारा व्यवधान ठीक हो जाएगा। विश्वास रखिएगा, जिस संकल्प और प्रणीति से आपको माता पिता ने खड़ा किया इस मुकाम के लिए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है अपने समाज की। ताकि कल महामहिम श्री को यह सोचना नहीं पड़े कि जिस व्यक्ति को मैंने सम्मानित किया था, इतनी कठिन परीक्षा पास होने के बाद, उत्तीर्णता के बाद में आज वह व्यक्ति समाज में सफल नहीं हो रहा है, तो आपका सम्मान वहां हो ये ज्यादा आवश्यक है। माता पिता का सम्मान, आप तो पूज्य हैं, हमारे क्या है कि आपका सम्मान कर सके, आपको आशीर्वाद दीजिए, शुभेच्छाएं दीजिए हम सबों को कि हम आपके बच्चों की तरह कुछ और बच्चों को तैयार कर सके, ताकि समाज में नहीं। खेतों में जब पानी होता है तभी सावधान होते हैं तो फसल वाला आती है। इतने सुखद कार्यक्रम के लिए जो आयोजक है बहुत बहुत आभार, इस विश्वास के साथ कि जिस कार्यक्रम में, जिस कठिन परीक्षा में आपकी सहभागिता हुई है, आपको उत्तीर्णता मिली है, यह सकल हो, समृद्ध हो। आप सबको आने वाले दिनों की बहुत सारी शुभकामनाएं, इस विश्वास के साथ कि जब कभी आपसे मिलूं तो गर्व का अनुभव हो। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। भाई निवेश जी का एक आदेश था कि मैं कोई बहुत छोटा मोटा व्यक्ति हूँ, लिखता पढ़ता हूँ, गरीब बच्चों के लिए काम करता हूँ, हमें प्रवास संस्था के माध्यम से लिखने का शौक है, कुछ किताबों की मैंने रचना की है, एक मेरी पुस्तक है भाग शेष, जो भावना प्रधान है, रिश्ता प्रधान है। निवेश जी ने कहा कि इस कार्यक्रम में इस पुस्तक को अगर आप ला सके तो हम सबको देना चाहते हैं, तो मेरी ओर से आप सबों के लिए राग शेष की इज्जत प्रति मैंने रखवा दी है। अगर रुचिकर आशीर्वाद है, सहयोग है, चाहे वो
शारीरिक सहयोग हो, नृत्य हो, आर्थिक सहयोग हो, हर प्रकार सहयोग करके पुत्र को आगे हमेशा दिल में यह बनना रहता है, बेटा बेटी बहुत आगे बढ़े, खुद तरक्की करें, जिससे कि अपना जो जीवन सफल बनाए ही हमारा नाम उज्जवल हो, राष्ट्र की सेवा करें, इस कल्पना को साकार करने के लिए और इसके लिए माता पिता का बहुत बड़ा ही योगदान है। कहा भी गया है तो माता पिता को सबसे प्रशंसा कब होती है, जबकि बेटा के द्वारा माँ बाप का पहचान बने, मैंने बेटा इतना आगे बढ़ जाए कि यह किसका, यह कौन है, बनना की इतना मैंने बेटा उसमें सबसे ज़्यादा प्रशंसा होती है। इसलिए यह जो कार्यक्रम का अध्ययन किया गया है लोगों को धन्यवाद देता हूँ और इससे यह प्रेरणा मिलता है सभी लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए सदैव माता पिता की सेवा में लगे रहें, क्योंकि बाद में माँ बाप का बुढ़ापा आना है, बुढ़ापा के बीमारी पड़ जाना है, मगर उसकी सेवा हमेशा करते रहना चाहिए और हमेशा ध्यान में रखना है। और इसीलिए ये जो कार्यक्रम किया था इससे मैंने लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमारा माता पिता का कर्तव्य, माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन करना। मैं इस समिति को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, आशा करता हूँ इसे और आगे बढ़ाएं। बुजुर्ग की ओर जिसके आगे राह नहीं, तो ऐसे ही कर्मठ डॉक्टर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियों से चप्पल दी। क्या उपस्थित महामहिम सिक्किम के राज्य, इसके लिए खास इंडिया सिंह को और उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है। और इससे एक सप्ताह पहले से बात हुई तो इन्होंने कहा मेरा एक कार्यक्रम था वहाँ, ये मेरे बच्चे क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है, हमने क्या किया है दोस्तों। हम तो मुझे लगता है कि हम लोग हिंदू हैं, हिंदू में कहते हैं हिसाब से हम लोग पुनः जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जो पुनर्जन्म खुद अपने आप देखते हैं, अपने बच्चों में अपने पुनर्जन्म को जरूर देखते हैं, अपने बच्चों में अपने पुनर्जन्म को जीते हैं, क्योंकि बचपन में बहुत शायद याद नहीं होता है मैं एक साल का था या छह महीने का था, या अपने आप को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों में उस चीज को भेज सकते हैं, और जो आपके सपने हैं वो आप अपने बच्चों में ही बढ़ते बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। मैं तो यहाँ पर बहुत सारे युवती एक साथ एकत्रित हैं और अभी अरुणोदय जी ने बहुत अच्छा स्पीच दिया, ये भी उनके माता पिता ने जी को इसके लिए आपके लिए आज जब परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है, वैसे में माता पिता समिति बनाकर और आप जो बिहार सरकार की सेवा करने जा रहे हैं उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ अपने गार्जियन महामहिम राज्यपाल जी को, नाम नहीं ले सकता, अभिभावक है, मैं बड़े भाई जस्टिस चंद्रमोहन प्रसाद जी को भी प्रणाम करता हूँ, भाई और दादा जी को नमस्कार, बिलाल जी को नमस्कार। सर्विस विदाउट एक्सपेक्टेशन, आप लोग बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए हैं, आप लोग प्रशिक्षण लेंगे, इसके बाद बड़ी कठिन प्रतियोगिता आप लोग चुने गए। एक अलग राह बनाए आप लोग, जो संस्कार हमारे सामने बैठे साथियों के माता पिता ने आपको दिया उसको अपने जीवन में उतारे। सेवा का मौका बहुत कम मिलता है, कलाम साहब की बातें याद आती है, इस देश ने तुमको भारतीय होने का पहचान दिया,
देश को क्या दिया? तो ये देने का आनंद है, आपको सेवा के रूप में करने के लिए ये मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके जीवन में, आप लोग ये करें। यह देश शुरू से जिस परंपरा में रहा, इसीलिए पास जैसे लोग करते चले गए कि सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहाँ हमारा, कुछ बात है कि रास्ते मिटती नहीं हमारी, जिला सब मिट गए जहाँ से। यही कारण है, ये सबसे बड़ा जो कारण है वो तो है हमारे माता पिता, जिनसे हमको संस्कार मिला और हम लोग सफल हुए। एक निवेदन मैं आप लोगों से करूंगा, समाज में ऐसा नहीं है कि केवल किसी एक वर्ग में क्षरण हुआ है, बाजारवाद का दौर है, चीजें पहले आदर्श से तय होती थी, राजनीति भी आदर्श पर आधारित थी, अब चीजें तकनीकी विषयों से तय हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तय हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तय हो रही है, ऐसे में परिवार की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके बदले इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर, आईटी पर ध्यान दें, अपने अंतर्गत की आवाज सुने, जिसके लिए आपका चयन किया गया है, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, जिया खैरनार केजेएल कौन से जैसे ऑफिसर बने, दिल के सिंह जैसे ऑफिसर बने, जिन लोगों ने ई श्रीधरन जैसे ऑफिसर बने आप, जिन लोगों ने सेवा का एक आदर्श स्थापित किया, समाज में प्रेरणा के स्रोत बने, इन सब लोगों ने किताबें भी लिखी हैं, उसको भी पढ़े आप लोग कि कैसे प्रशासन उन लोगों ने चलाया। इस बिहार में कई ऐसे आईएएस हैं जिन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया, इस देश के टॉप टेन आईएएस में सत्य अमृत साहब हैं, जो बिजली को घर घर तक पहुंचाने की सरकार की जो योजना है वो लक्ष्य के पहले उसको पूरा कर रहे हैं, इसके लिए उसको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, तो उस तरह के अधिकारी बने, इसलिए कि उनके अंदर सेवा की भावना है, समर्पण की भावना है। बस मैं इतना ही, बिहार में सभी भाषा वाली बात मगरी बात मेरी बात हर भाषा अपने आप में तय कर चुके, पर हम किसान सेवा के बारे में भोजपुरी क्षेत्र के बारे में सोचा कि हम भोजपुरी में कुछ अपन कुछ आ सकते हैं। सभा के आयोजक जी के हम विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक ढंग के कार्यक्रम में लोक सेवा आयोग के सफल प्रत्याशी में से कई ज्यादा प्रतिभा वगैरह में या पूना में आयोजन हो रहा था, और बिहार के मोरा समय से पहला आयोजन बार जब अपने के संयोग के प्यार से या प्यार से ऐसा आयोजन के लिए हम सब माता पिता और बहुत पर प्रभावित कर हम मैं बिहार को महामहिम राज्यपाल सिक्किम देश के श्री गंगा या उत्तर क्षेत्र सिक्किम में क्रिया धर्मन के से हम आपसे गोटा भारी करें कि आप हम बहुत समय हमारे के पीछे दिहल तो पूरी किसान के साथ बैठ के या हमारे खातिर के लिए कुछ हम बहुत करते अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति श्री चंद्रमोहन प्रसाद जी के भी हम और अनुरोध सम्मान के चाहे कि अपने के अपन विशेष समय सभा में जीवन और बहुत सारा भाई लोगों का ये लोग में
और जिसका शब्द के हम सादर नहीं करता है जे लोग अपना वर्चन के अपन खून पसीना एक करके ये मुकाम पर पहुँचो देगा वो वचन के भी हम आशीर्वाद कहें या अभिनंदन कहें जो है चाहता है ये बच्चा कठिन परिश्रम करके आए मुकाम पर पहुँचल बा आए सभा में उपस्थित भय बा हम सब लोग के हम अभिनंदन करते हैं ज़्यादा समय नहीं थे जैसे बहुत मुश्किल भाई से कोई में कमी का घंटा बोल सकता नहीं लेकिन समय अभाव बा सब कुछ बाद महामहिम जी के कार्यक्रम में उनके पास सुनने का भी और एक अनिभावित रूप से सम्मान कर जीवन में बहुत सारी कठिनाई आवा जाते हैं किसान एक ऐसा व्यवसाय बा जी आप उन पसीना एक करके अपना बच्चन के पढ़ाने की कोशिश करेगा हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षा के माहौल अच्छा नहीं थे सरकार बहुत प्रयास कर दिया लेकिन शिक्षा जगत में बड़ा बड़ा बुराई पैदा हो चला समाचार पत्र के माध्यम से मालूम होते हुए कि क्या का बुराई हम ऊपर जाए जो चाहे तो सरकार को कोई मालूम नहीं है उम्मीद भी हमने परिवार के लोग यहाँ के लोग की माँ के लोग लेकिन हमने परिवार के लोगों से कर बात दाम अपना एक बच्चन से जो सफर सफलता प्राप्त करेगा अनुरोध करब कि ईमानदारी सचेतता के साथ अपन जीवन के निर्वाह कर आज जे भी आदमी जे भी व्यक्ति अपने से मदद करके पहुँचे क्या कि अपना जीवन में हर समय मदद करता आप सच में हमारे देश शुभकामना एक शुभकामनाएं के साथ हम अपन वक्त के समाप्त करके मंच पर उपस्थित परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल बड़े भाई चंद्रकांत सिंह कुमार अनुराधा जी और मेरे साथी अधिकारीगण और सारे माता पिता के चरण कमलों में जो उपस्थित हैं अभिभावकगण को चरण स्पर्श ये क्षण मेरे जीवन के लिए अत्यंत बहुमूल्य इसलिए है कि इस क्षण का इंतजार करते हुए मेरे पिता श्री मुरलीधर राय जो गोपालगंज के पूर्व डीएम रहे 15 फरवरी को इसी साल मैंने उन्हें खोया और उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन जैसे जो है रुक गया उसके ठीक अगले सप्ताह में ये सूचना मिली कि इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है और मुझे उसी क्षण मेरे मन में संकल्प आया कि मेरे द्वारा अगर कोई सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है तो यही हो सकती है कि मैं उनको सफल होकर दिखाऊं जिस रिजल्ट का वो वेट करते रहे वो उन्हें देख के दिखाऊं माँ यहाँ उपस्थित है वो जानती है कि कितना लंबा संघर्ष इस क्षण के लिए हम लोगों ने किया है और उन लोगों के बिना सहयोग के माँ पिता के ये संभव नहीं था कि हम लोग इस मुकाम तक पहुंच पाते हम लोग क्या सम्मान और क्या माँ बाप का कर पाएंगे और मदर जी ने पहले भी कहा है कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि उनका आशीर्वाद हमें मिले ये खोना पिता का खोना अपने आप में लगता है जैसे जमीन खिसक गई और तब कोई ऐसी संस्था आती है जो कहती है कि माता पिता का सम्मान हो तो ऐसा लगता है जैसे उसने हृदय छू लिया हो ऐसा लगता है जैसे उसने मन को सरल कर दिया ये बड़ी बात नहीं है कि जिला शिक्षक के रूप में मेरा चयन हो गया मेरे लिए तो ये क्षण मेरे जीवन का सबसे अविस्मरणीय क्षण है ये सबसे बहुमूल्य क्षण है कि मैं मेरी माँ सामने बैठी है और मैं कुछ बोल रहा हूँ राज्यपाल महोदय बैठे हैं संकटा दिया मेरे पिता के गुरु के लड़के हैं तो बड़े भाई हुए तो वो बैठे हैं अरुणोदय भाई बैठे हैं सभी परमल भैया बैठ रहे हैं ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है ज्यादा नहीं बस मैं इतना ही कहूंगा कि जो संघर्ष करते हैं अंत में मंजिल उन्हीं को मिलती है और कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए कभी गिवअप नहीं करना चाहिए अब बस इतना ही मौका है कि जो स्टैंड मिला है जो प्लेटफॉर्म मिला है इसके बाद जो हम डिलीवर कर पाए जो जनता को दे पाए जो अपेक्षाएं जनता की हमसे है जो अपेक्षाएं शासन की हमसे है जो लोगों की हमसे है वो हम पूरा कर पाए मेरे जो साथी अधिकारी है मेरी बस उनसे इतनी ही विनम्र प्रार्थना है धन्यवाद यहाँ पे लंच में उपस्थित सभी अतिथिगण को मैं नमन करती हूँ ये बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए कि आज निवेश कर मुझे चुना
आप लोगों के सामने कुछ कहने जा रहे मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर्वप्रथम यहाँ आने का जो मकसद हम लोगों का है वो हमारी सफलता न होने का, हमारे माता पिता का सम्मान। इस परिप्रेक्ष्य में किसी भी व्यक्ति की सोच और क्या हो सकती है हमारा कि हमारी नींव को देखने की कोशिश की जा रही है, जिस नींव पे हम खड़े हैं वो इबादत खड़ी जो है नींव कितनी मजबूत हो, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे माता पिता जो है यहाँ आए हुए हैं, मेरी मम्मी पापा ने मुझे बहुत संघर्ष की बात यहाँ तक पहुँचाया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं आम परिवार की एक लड़की इस मंच पे आज आकर आप लोगों के सामने समक्ष खड़ी रहूंगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा भी रही हमारे आसपास जो हमें एक कदम पीछे खींच रही थी, लेकिन हम हमेशा मेरे जुनून में मेरे माता पिता के आत्मविश्वास में से दो कदम आगे बढ़ जाने की मजबूत कर दो और मुझे लगा कि मैं सर पाऊंगी और आज मैंने सर की प्रयास सिर्फ मेरे माता पिता को लगा। किसी भी व्यक्ति की सफलता में कोई एक कड़ी जिम्मेदार नहीं होता, एक कड़ी का ही सिर नहीं होता। मेरे माता पिता के अलावा मेरे परिवार के बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं अपने बड़े भाई मनीष सोन का नाम लेना चाहूंगी जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। मेरी दीदी, मेरी जिया जी, मेरी छोटे भाई सब ने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया है। आज जो मैं कहना चाहूंगी किस माता पिता के सम्मान को जहाँ हम लोग आज खड़े हुए हैं, आज से उनकी एक तपस्या जो कर्तव्य उनका था, जो उनकी सोच थी उनके के प्रति वे समाज थे और हमारी तपस्या शुरू होगी उनके कर्तव्य से खड़े करने का, उनके लिए कुछ करने का। और हम कोशिश करेंगे कि वह हमारे माता पिता जो थे ये महसूस न करे कि अपने जो संस्कार अपने बच्चों को देने संस्कार कहीं से ही समाप्त होता जा रहा है, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं समझती हूँ जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। रही बात बिहार शिक्षा से आया हुई मेरा चयन हुआ है तो मैं चाहूंगी कि समाज के लिए और अपने बेहतर मुकाम हासिल करना ही है और कोई नारक प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि समाज के सबसे निचले तबके की हौसले को खोज कर अगर हम ये कुछ कर पाए तो मैं सबसे बड़ी हम लोग के लिए बहुत बड़ा सम्मान ही रहने लगता है। तो कोशिश करने की यही रहेगी कि समाज को बेहतर बनाने में हम अपनी एक भूमिका निभाए। हम लोग बहुत छोटे छोटे से बीज है जिसको अंतरित करने में हम लोग और बस वहीं पर एक ऐसे छाया का वृक्ष कह देते हैं जिसकी छाया के नीचे मैं वादा करूँ कि हाँ मैं उनके बीच एक ऐसे सांस ले सकती हूँ, एक ऐसे पदाधिकारी के नीचे मेरा ऐसा संपर्क है जिससे कि हम अपनी हर एक चिंता पर मुक्त कर दूँ, अपनी समस्याओं को अगर मैं उनके सामने बता दूँ तो निश्चित ही सफल होगा। इसीलिए हम लोग की कोशिश यही रहेंगी और क्षमा चाहूंगी अगर कई गलतियों में से मैं बनाए कई लगता नहीं हूँ, इसीलिए आप सबसे मैं फिर से धन्यवाद। राज्यपाल देवी वर्षा जगह सबको मेरा नाम मुझे सीखना मिली और खाने का मौका मिला इस समिति से इस आयोजन में और मुझे प्रसन्नता है कि इस समिति द्वारा ऐसा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है जो सफलता दिख रहा है और आज के इस आर्थिक युग में जबकि लोग आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ मानव और नैतिक मूल्यों का उस तरह से
सकते हैं इनका करना उतना नहीं मिल रहा है पढ़ रहा एक तरफ आर्थिक विकास लेकिन दूसरी ओर नैतिक मूल्यों का क्षरण यही चिंता की है डॉक्टर की और उन परिस्थितियों में इस तरह का आयोजन बड़ा अच्छा और फलदायी प्रतीत होता है। आज हर माँ बाप अपने अथक प्रयास से अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और बच्चे अच्छे अच्छे संस्थानों में जाते हैं वहाँ आपकी सुख सुविधा के साथ पढ़ते हैं जिसके लिए माँ बाप अपनी बहुत सी जरूरतों को काट कर उनके लिए सुविधा जुटाते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें और ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकें या वो डिग्री के हास्कूल तकनीकी साइंस और मेडिसिन कई तरह के क्षेत्र हैं और उन पर लोग काफ़ी आगे बढ़े अचीवमेंट भी हुई है तो लेकिन जो उनके जन्म में कोई भी किसी लाश पर फूल देखता है तो उसकी प्रशंसा करता है लेकिन उस फूल की सच्चाई यही है कि उस पेड़ की जड़ें जो हैं जो कि अज्ञात हैं जमीन के गहराइयों में अंधकार में छिपी है टेढ़ी मेढ़ी है उन्हें कोई देखता नहीं है लेकिन उन्हीं का अथक प्रयास होता है कि आपको फूल उस मुकाम पर होता है कि लोग उसकी प्रशंसा जो भी इस युग की जो एक बड़ी त्रासदी दिखाई पड़ती है कि मनुष्य के अंदर कृतज्ञता के भाव का विलोपन होता है किसी के प्रति जब जब जरूरत होती
वो पेड़ के नीचे आता और पेड़ खुशी खुशी करता कि सारे फल तोड़ इस तरह काफी दिन तक वो कभी सुखाया होता नजरिया को भी हुआ है, लाभ हुआ है, वो भी समझ पाए,
हमारे माता पिता ने कितना बड़ा हमें बनाने में योगदान करता है, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए और ये सबों को याद रखना चाहिए। क्योंकि कहा गया है माता का निर्माता होते हैं, जो निर्माण करते हैं, इसलिए हमेशा इस बात को सबों को ध्यान रखना चाहिए। और मैं पुनः इस समय इस आयोग के कार्यक्रमों में आए और इस समिति के सभी आयोजकों के प्रति सम्मान बने धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ इस प्रकार का कार्यक्रम करने से समाज में एक अच्छा मैसेज दिया है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्रामीण विकास प्राधिकारी के पद पर चयनित प्रकृति नैन, तो प्रवीण जी आप आइए ना, हम बोल रहे हैं, आप मैनेज कीजिए थोड़ा सा। और आप लोग जरा बगल जाइए आप सामने से, सामने से हो गया भाई। हेलो मैडम, मैडम किसका है पर्स देख लीजिए, पर्स किसका है, पर्स किसका है, देखिए सामने। हाँ हाँ बिल्कुल। जो आयोजन मंडली में है उसको सहयोग करें प्लीज। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि अपने गाने का दो तीन पंक्ति सुनाएं और उसके बाद आयोजकों आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी, माननीय पूर्व लोकायुक्त, सौभाग्य है हमारे मित्रजनों को जो आपके द्वारा सम्मानित होने का एक अवसर मिला है। और सबसे तो कुछ माता पिता के लिए हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम है, और हमारे मित्रों को जो सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। निमेश जी के कहने से मैं माता पिता को समर्पित एक गीत बनाए हैं जो आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। कोई माने न माने, कोई माने न माने, ये बात सच बात, ये सफलता हमार, माता पिता के आशीर्वाद प्यार बात, ये सफलता दूर हो अपना।
जिंदगी किनारा तो हर इज्जत समान इनका तो हर इज्जत समान इनका त्योहार बार इस सफलता तोहार माता पिता के आशीर्वाद प्यार बार ये सफलता तोहार माता पिता के आशीर्वाद प्यार बार आशीर्वाद कंपटीशन देता घर में तटाप हमें सुघर सा घर देना घर के दुलरुआ हमें बहुते स्नेह बा बहुते स्नेह बा जाके रौरा देख आई जाके रौरा देख आई नीके बा कंडीशन कंपटीशन देता लेके एडमिशन कंपटीशन देता और ये कॉम्पिटेटिव लोग का क्या हाल है चानी पके बार उड़ो मुझ के तनिका गुमान नहीं खे तनिका गुमान नहीं खे चामस भिड़ोले मारे चामस भिड़ोले मारे देखे पिटीशन कंपटीशन देता इन्हें लेके एडमिशन कंपटीशन देता धन्यवाद नमस्कार सभी देवी सैनिक और वो माता पिता जिनको आज सम्मानित करना है और ऐसे पुत्र जिनके वजह से माता पिता का सम्मानित किया जा रहा है उन सबों को बधाई देता हूँ। यह कार्यक्रम माता पिता का सम्मान यह तो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसके द्वारा लोगों को यह प्रेरणा मिलेगा कि हमारा फर्ज हमारा कर्तव्य है कि माता पिता का सेवा करना जिन्होंने हमें इस रूप में तैयार किया निरंतर परिश्रम करते हुए निरंतर मेहनत करते हुए और अपनी जो कमाई जो है उस कमाई में से काट करके अपने में खर्च न करके वो हमारे ऊपर खर्च किए हैं जिसके वजह से मैं यह बना हुआ हूँ जिसके वजह से मैं तैयार हुआ हूँ। इसलिए माता पिता को हमेशा ध्यान में रखना इस बात को याद करते हुए माता पिता का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और इसी से कल्पना कीजिए वो नौजवान जिसे शादी हो जाता है बच्चा हो जाता है वो अपने बच्चे को किस प्रकार लालन पोषण करता है बच्चे को किस प्रकार प्रयास करता है कि वो पढ़ाई लिखाई अच्छा बने ये कल्पना करें कि आपके माता पिता ने भी तो उसी प्रकार आपके लिए मेहनत करके कार्य किया होगा। माता पिता जो लाख कठिनाई के बाद जो भी कार्य करता है और हमेशा उसके ध्यान में रहता है कि मैं जिस कठिनाई में फल रहा हूँ हमारा बेटा उससे अच्छा हमारी बेटी उससे अच्छा और आगे बने यह उनके दिल में बहुत बड़ी तमन्ना रहता है। और कहा जाता है माता पिता को सबसे बड़ी खुशी प्रसन्नता उस समय होती है जिस समय उस पुत्र के द्वारा उस पुत्री के द्वारा उस माता पिता का पहचान होता है उस समय सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है वो इतना आगे बढ़ जाता है कि यह व्यक्ति कौन है वो अमूक व्यक्ति जो आज डीएम बन गया है उसका माता उसके पिताजी उसके माता जी हैं जो इस पद पर चला गया है उसके ये माता जी पिताजी हैं कि कहा नहीं वो सबसे प्रसन्नता की बात उस समय माता पिता के लिए होती है क्योंकि उसके द्वारा उनकी पहचान होती है।
इस बात को, क्योंकि भारत के एक परंपरा रहा है, भारत में हमेशा इस बात का लोगों ने ध्यान रखा है और माता पिता की सेवा में उसमें लगे रहे हैं। लेकिन आज के समय में कुछ परिवर्तन हो रहा है। आज के समय में ख्याल करें, आज के समय में वो बातों में कमी आ रही है जिसकी आवश्यकता। आज तो बच्चा मोबाइल लिए हुए, मोबाइल लेकर मोबाइल के साथ चटा हुआ है, उसकी इसकी चिंता नहीं है कि माता पिता हमारे उसके साथ में बैठ करके बातें करूं, उन्हें कितनी प्रशंसा होगी, मगर वो मोबाइल में दिला उसी में सटा हुआ है। उसके अलावा यह जो भारत के अंदर मदर डे, फादर डे, यह जो पश्चिमी सभ्यता है जहाँ पर कि वृद्धा आश्रम में माँ बाप को रख देते हैं और साल में एक बार जा करके उन्हें हर प्रकार के ले गए सामान ले गए, वस्त्र ले गए और भी ले गए तो सम्मानित करते हैं। यह विदेशों की चलन है और यहाँ भी चल रहा है। और यहाँ पर प्रतिदिन माता पिता की सेवा प्रतिदिन लोग पूजा करता है, उठ करके माता पिता के प्रेम चरण छूता है। तो यहाँ पर क्यों मदर डे फादर डे, यहाँ पर इस पश्चिमी सभ्यता है और यहाँ भी चलन चल गया है। क्या यही चाहते हैं कि अभी यहाँ पर कोई यहाँ पर उसकी वो बातें फैले? इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। माता पिता के द्वारा संस्कार मिलता है, वही संस्कार आगे चल करके वही अपने जीवन को सफल बनाता है। इसलिए हमेशा इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि माता पिता की आकांक्षाएं कितनी बड़ी, उनके दिल में तमन्ना है। उस समय जब रिजल्ट निकलता है और जो अव्वल दर्जे प्राप्त होता है, उस समय समूचा मीडिया वगैरह सबको वहाँ पहुँच जाते हैं, उसके माता पिता के साथ में उस बच्चे का फोटो लेते हैं। कितनी प्रसन्नता माता पिता को होता है इसके वजह से हमें हमारा यह फोटो लिया जा रहा है। आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उस समय उनके दिल में किस प्रकार के वो प्रसन्नता का अनुभव होता होगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात को ख्याल करते हुए बड़े बड़ी इमारत बने हुए हैं, सभी उसी इमारत को देखते हैं, उसके अंगूरे को देखते हैं, आप क्या महल है। मगर इसकी कल्पना कीजिए, वो इमारत बना है, इमारत के पीछे जितना महल, जितना ऊंचा इमारत है, जितना विशाल इमारत है, उतना ही नीचे में नींव की ईंट भरने के लिए लाल दबे पत्थर को अंदर जाना पड़ता है, तब वो इमारत बनता है। इसलिए जहाँ इमारत की कल्पना करते हैं, वहीं पर कल्पना कीजिए इस इमारत के पीछे नींव कितना मजबूत है। इसी प्रकार कल्पना कीजिएगा, बेटा आज इतने, बेटी आज इतने पद पर जो पहुंचा है, इसके पीछे निश्चित रूप से उनके माता पिता का कितना बड़ा योगदान है। इसकी कल्पना कीजिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्य कीजिए, क्योंकि उस प्रकार इतना बड़ा योगदान रहा है। अभी उदाहरण दिया, इनका उदाहरण दिया, वो एक मैंने उदाहरण के रूप में, क्योंकि उस समय भी माता पिता या उसके दिल में कल्पना रहती है कि बड़ा होने के बाद भी बेटा हमारे पास आए, बैठे, हमारी समाचार को जानने का प्रयास करें, मिल करके हमारी क्या कठिनाई है उसको जानने का प्रयास करें। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर के समय में जी माता पिता को जो भी कठिनाई होता है, उसके लिए जितना बन पड़े उस कठिनाई को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने हमारे हमें बनाने में इतना बड़ा योगदान दिया है, किस प्रकार हमारे पढ़ाई लिखाई में योगदान दिया है, किस प्रकार इनका सहयोग रहा है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना है। आज यहाँ पर वैसे तो भारत का एक परंपरा रहा है, भारत तो हमेशा ही रहा, इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भावये, मैंने सभी के सुख की कल्पना, ये तो भारत की देन करता है। मगर माता पिता जो अपने बच्चे के सुख की कल्पना करता है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जाड़े का समय है, आप बच्चा पेशाब कर दिया, माँ अपने उस वस्त्र को भींगा हुआ वस्त्र अपने ओर कर लेती है, सूखे हुए वस्त्र को बच्चे के ओर कर लेती है। ये सब इस प्रकार एक जो बातें रहती हैं, इनसे बातों को ध्यान में कल्पना जब कर लीजिएगा कि आज हम जिस प्रकार अपने बच्चे को कर रहे हैं, इस प्रकार माता पिता ने हमारे लिए कार्य किया है। ये तो भारतीय परंपरा रहा है, भारत के लोगों ने हमेशा माता पिता का सम्मान किया है और वो आगे भी होना चाहिए। इसका ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग कार्य करें। उस समय जिस समय जब वो बूढ़ा बूढ़ी जब हो गए और उस समय पोता पोती
उसके पास आज करके बैठ करके उससे यदि कुछ सीखता है, कुछ कहता है, कुछ जानकारी लेता है, कितनी उनकी प्रसन्नता होगी। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आज जो जो इस प्रकार का ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके प्रति मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ इस कार्यक्रम के द्वारा जो प्रेरणा लोगों को मिलता है उससे लोग प्रेरणा प्राप्त करें। हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माता पिता का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि कहा गया है कोई ऐसा बेटा बेटी नहीं हुआ है जो माता पिता के ऋण से ऋण हो जाए, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा ऋण है। उस ऋण से ऋण तो नहीं हो सकते, लेकिन उस ऋण की कल्पना करके उसके लिए ध्यान में रखते हुए जितना बन पड़े माता पिता की सेवा करना, यह हर व्यक्ति का फर्ज होना चाहिए, हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। अपने बुजुर्गों का, माता पिता का, अपने गुरुजनों का ध्यान में रखते हुए, इनके वजह से हम आज यहाँ पहुँचे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए सबों को इसके लिए हर प्रकार का सहयोग करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उन नौजवानों के प्रति, उन नौजवानों के प्रति जिन्होंने माता पिता के योगदान के वजह से आज उन स्थान प्राप्त किए हैं, इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ, उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोग और आगे बढ़े और तरक्की करें, ताकि माता पिता और ज्यादा प्रसन्न हो, इस बात ध्यान रखते हुए करें। और इन माता पिता के इनके प्रति सदा सुमना अर्पण करता हूँ। इन लोगों ने जो जिस रुचि भावना से आप लोग तैयार किए हैं, सचमुच में यह जो नमन करने योग्य है, इनका भी ध्यान रखता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस सेवा समिति के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार, जय। नगर कार्यपालक अधिकारी हरिशंकर सिंह, हो गया भैया, ठीक है मैडम, थैंक यू।